जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छी खबर आई है और मैं ये पूरे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है राजस्थान से, लेकिन इसका असर पूरे इंडिया में पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा आपको पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये खुशखबरी राजस्थान से भूतपूर्व सैनिकों से कैसे स्टार्ट होती है और कैसे आप लोग तक आएगी। तो फ्रेंड, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अशोक जी गहलोत, उन्होंने मतलब 7 दिसंबर की जो कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये फैसला लिया, उनमें उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को 3 लाभ देने की बात की है, बेनिफिट्स देने की बात की है। 3 पॉइंट मैं आपको पॉइंट के माध्यम से समझाता हूँ और इसका असर और दूसरे राज्यों में भी कैसे पड़ेगा वो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से बताता हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को 3 बड़ी खुशखबरी दी गया है। तो फ्रेंड्स, पहले जो पहला पॉइंट है उनका, वो है आपका भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा होता है और कोटे को लेकर जो हमारी नौकरियाँ होती है उसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है, पहले उन्होंने 5 साल से बढ़ाकर अब वो 10 साल कर दिया है। लेकिन था जैसे मान लिया किसी भर्ती में आपको 40 साल की उम्र चाहिए होती है आर्मी रिटायरमेंट वालों के लिए, तो उनके लिए पहले 45 थी, अब उसमें 45 से भी बढ़ाकर उन्होंने 50 कर दिया है। या जिस भर्ती में 45 थी उसको बढ़ाकर उन्होंने अब 55 कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कहने का मतलब ये है कि भूतपूर्व सैनिकों की जो न्यूनतम आयु होती थी क्राइटेरिया के मुताबिक, उसमें उन्होंने 10 वर्ष की उन्होंने जो फायदा वो कर दिया, यानी कि 10 साल उनको और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि एज में 10 साल की उनको छूट मिल रही है। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है आपका न्यूनतम नंबरों में 5% की छूट। यानी कि आजकल जब भी विज्ञप्ति आती है आपने देख लिया होगा कि कहीं पे भी बिल्कुल साफ लिखा रहता है कि जैसे भर्तियां आएंगी उसमें लिखा रहेगा कि मिनिमम पासिंग या सिलेक्शन मार्क के लिए 40% होने चाहिए। तो 40% में क्या होता है कि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक रह जाते हैं और इसलिए उन्होंने उसमें 5% की बढ़ोतरी की है। लेकिन राजस्थान अपने आप में भर्तियों में बहुत ही मतलब कुछ सालों से बहुत ही विवाद में रहा हुआ है। वो इसलिए रहा हुआ है क्योंकि राजस्थान में जो भर्तियां आती हैं वो नियमित समय पर हो ही नहीं पाती हैं। 2016 में राजस्थान में भर्ती आई थी सब इंस्पेक्टर की, 2016 में भर्ती आई थी लेकिन उसका रिटर्न टेस्ट हुआ था 2018 में, और 2018 से आप यकीन नहीं मानेंगे 2016 की भर्ती है और अभी तक वो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लगाइए कि अगर एक भर्ती को पूरा होने में इतना टाइम लग रहा है तो क्या होगा, मतलब यहाँ का भूतपूर्व सैनिकों का छोड़िए, यहाँ के आम जनता का भविष्य क्या होगा, ये समस्या परे है। अब आप बोलेंगे कि ये अशोक गहलोत थे या कांग्रेस के थे ये वो थे, तो मैं आपको बताता हूँ, ये भर्ती थी महारानी के टाइम पे, सॉरी क्या नाम है अपना, वसुंधरा राजे के टाइम पे। तो उन्होंने बिल्कुल उनके टाइम से ये शुरुआत हो गई थी मिनिमम वाली। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल 2017 का पेपर देखेंगे तो आप एक बार सोचने में मजबूर हो जाएंगे यार, क्या आईएएस भी इसको पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसका जो बी पार्ट था, यानी कि भर्ती थी कांस्टेबल की और जिसमें कि ए बी सी 3 पार्ट में आपको अलग अलग पास होना था, और बी पार्ट के क्वेश्चन देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि करंट अफेयर और साइंस का था, लेवल है 8th पास और 10th पास का। और आपको सवाल एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये था कि ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री, उसका कार्यकाल इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक था। आप भैया भर्ती नहीं करनी है तो साफ बोल दीजिए भर्ती नहीं करनी है। आप इंडिया की लेडी का, जैसे इंडिया का फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, सीएम कौन थे, ड्यूरेशन कब था, आदमी ये पढ़ेगा। अब आदमी आप ब्रिटेन का पूछो कल के दिन, पूछ लोगे आप साउथ कोरिया का परसों का, पूछ लोगे आप जापान की पहली लेडी का, यार वो कोई भर्ती नहीं करनी है तो सीधे से बोल दीजिए भर्ती नहीं करनी है, तो खाली उलझा के रखना है। अब तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 की वैकेंसी थी, 3,000-3,500 भी भर्ती नहीं हुए। अब जब डेली पढ़ने वाले बच्चे जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं वो अगर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो एक सरहद में खड़ा फौजी जिसने कि मतलब 20-22-23 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी हो और वह माँ भारती की रक्षा कर रहा है कहीं बॉर्डर पे -20-30-40 पे, वह आज के बच्चों के मुकाबला कैसे कर पाएगा? तो भूतपूर्व सैनिकों का कोटा का क्या मतलब रह गया? तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अभी भले किन राज्य में अभी कांग्रेस है,
इसके बाद मैं कोई भी आए कौन मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कब आए, लेकिन प्लीज जब आप लोग भूतपूर्व सैनिकों के नाम पे राजनीति करते हैं तो आपको भी यकीन रखना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए मिनिमम वाला क्राइटेरिया हटा देना चाहिए। आप भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा होता है उस पर ही आप कॉम्पिटिशन करोगे। भूतपूर्व सैनिकों का आपस में ही कॉम्पिटिशन होना चाहिए, यानी कि मान लिया भूतपूर्व सैनिकों की 10 सीट है तो भूतपूर्व सैनिकों की मेरिट होनी चाहिए बस, उसमें मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगा के आप लोग भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मैं दूसरी फिर भर्ती की बात करता हूँ, ग्राम सेवक की भर्ती। अगर आपके ग्राम सेवक की भर्ती देखेंगे, 2016 में आई थी दिसंबर में ग्राम सेवक की भर्ती राजस्थान में, तो उस दौरान पे वैकेंसी थी 3800, जिसमें कि मान के चलिए कि भूतपूर्व सैनिकों के 400 या 450 पद होंगे, 3 पद भी नहीं भरे गए थे 2017 जब उसका फाइनल रिजल्ट निकला, क्योंकि 3 बंदे एक सर्विसमैन की तरफ से पास हुए थे, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल ऐसा था कि जनरल की मेरिट 40% मिनिमम मार्क था 40%, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 40% नंबर लाना है। और मजा देखिए कि बच्चे आ ही नहीं पाए 40% के रेशियो में, तो इन्होंने क्या कर दिया कि कैटेगरी के आधार पर इन्होंने जो अपने कास्ट कैटेगरी के आधार पे बाकी कास्टों की उन्होंने कैटेगरी डाउन कर दी, लेकिन जनरल वाला भी वैसे ही रह गया। और अब भूतपूर्व सैनिक तो कहाँ से आएगा बताइए आप 40% में। तो मेरी ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि माननीय अशोक गहलोत जी भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और भूतपूर्व सैनिकों को अगर वाकई में अगर आपने छूट देनी है, हम आप लोगों से कोई भेंग नहीं मांग रहे, बस हम इतना ही चाहते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा है उस कोटे को भरा जाए और भूतपूर्व सैनिकों की आपस में ही मेरिट की जाए। फ्रेंड्स, तीसरा बड़ा फैसला ये है, नीचे पद से ऊपर पद के लिए उसको दोहरा उसको भूतपूर्व सैनिक कोटा मिल सकता है। ये एक अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है, आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। मान लीजिए जाए कि एक भूतपूर्व सैनिक अगर पुलिस कांस्टेबल है, यानी कि अगर भूतपूर्व सैनिकों के थ्रू अगर उसने पुलिस लगाया पुलिस में कांस्टेबल में, और तब कांस्टेबल की वैकेंसी आई, आप लोगों को पता है कि भूतपूर्व सैनिक जब रिटायरमेंट आते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो दूसरी नौकरी उनको करनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि अब आपने देख लिया होगा कि एक भर्ती को, यानी कि 2016 की भर्ती को अभी तक पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, सरकारें चेंज हो गई लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो रही है अभी तक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है यहां भर्ती को कंप्लीट होने में। अब भर्ती को कंप्लीट इतना अगर आदमी इतना टाइम पड़ेगा लिखा, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा आप बता दीजिए। तो मेरी सभी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सभी से हमारी यही एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी एक आपकी तरह भूतपूर्व सैनिक हूं और भारतीय सेना में हम भी बिल्कुल गर्व की नौकरी करके आए हैं, लेकिन हमें अपना हक भी लेना आना चाहिए। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, बस हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हमारे राजस्थान से नहीं जो भी हर स्टेट के हमारे मुख्यमंत्रियों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, वाकई में अगर आप फौज का सम्मान करते हैं, वाकई में अगर आप भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें सही महीनों में उनको भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिया जाए। कृपया ये मिनिमम के जाल में उनको न उलझाए, वैसे ही परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। उस इंसान को क्या चैन से रहने का हक नहीं है जिसने पूरी नौकरी भागते दौड़ते परिवार को छोड़ के ऐसे टाइम पे निकाला हो, कभी बॉर्डर्स में, कभी तपते हुए रेगिस्तान में, कभी काउंटर इंसर्जेंसी में, क्या उसे रिटायरमेंट के बाद में भी चैन से रहने का अधिकार नहीं है? अगर आप लोग वाकई में दिल से सम्मान करते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का कोटे का उनको सही लाभ दें। और ये बहुत अच्छा कर दिया कि जो RSCIT वाला कोर्स था उसमें जरूर ढील दे दी गई है फौजियों के लिए, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसी RSCIT यानी कि जो कंप्यूटर कोर्स वाला जो सर्टिफिकेट है, इसकी वजह से बहुत से लोग पटवार भर्ती जो 2015 में आई थी उसमें सिलेक्शन होने के बावजूद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सराहनीय काम करें, यकीनन ये आपको कहीं से खुशी न दे या ना दे लेकिन आपकी अंतरात्मा से आपको बहुत खुशी देगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट मैंने बता दिए हैं कि 5 की जगह 10 साल की छूट, उससे मतलब नहीं है। अगर भर्तियां ही अगर एक भर्ती को पूरा होने में 5 साल लग जाए तो फिर ये छूट भी बेमानी सी लगती है। दूसरा 5% छूट यानी कि मिनिमम वाला, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भूतपूर्व सैनिक कोटे में से मिनिमम वाला क्राइटेरिया हटा देना चाहिए, सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों की मेरिट ही आपस में होनी चाहिए।
और थर्ड जो है ये अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि एक सैनिक अगर मान लिया जाए लो लेवल से ऊपर लेवल के लिए एग्जाम देने जाता है तो भूतपूर्व सैनिक कोटे के थ्रू वो दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप लोग भी जैसे हमने वीडियो बनाई है आप लोग भी हमारा सहयोग करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे स्टेट में भेजें। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, राजस्थान ही वो स्टेट है जहाँ अभी भूतपूर्व सैनिकों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी कोटा मिलता है। तो इसको देख के कई और राज्यों ने भी शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये लागू हो। और माननीय मोदी जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा भारत के सैनिकों का आप क्रेडिट लेते हैं, भारत के महान सैनिक आप लोगों का सम्मान भी करते हैं, तो कृपया उनको उनका सही हक दिलाने में आप भी अपनी भूमिका निभाएं और एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों का मिनिमम वाला क्राइटेरिया को हटा के भूतपूर्व सैनिकों की जो मेरिट है उनकी आपस में ही मेरिट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आप लोगों की राय क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।